हेलो एवरीवन, वेलकम टू गोल्डीज टेस्टफुल किचन। आज हम सैंडविच की एक और रेसिपी आपके लिए लेकर आए हैं। जैसे कचूमर सैलेड बनाते हैं, उसको कैसे फिल करके सैंडविच बनाएं, स्ट्रीट स्टाइल सैंडविच है, बहुत ही यम्मी लगने वाला है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। ये देखिए, मैंने एक खीरा बारीक काट लिया है, ये हमने प्याज को एक बारीक काट लिया है, एक टमाटर बारीक ले लिया है, एक शिमला मिर्च बारीक ले ली है। अब हम इसमें डालेंगे स्वाद के अनुसार नमक, क्योंकि हम इसमें चीज भी डालने वाले हैं, चटनी भी डालने वाले हैं, तो नमक आप देखकर डालिएगा। चाट मसाला भी हम यूज कर रहे हैं, ये डाल रही हूं मैं चाट मसाला, ये अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग आप डालिए। और थोड़ी डालेंगे हम हरी चटनी, बहुत फटाफट बनने वाले सैंडविच हैं ये, तीखी हरी चटनी मैं यूज कर रही हूं। और इसको करेंगे हम मिक्स। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आती है तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फैमिली फ्रेंड्स में, बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि मेरी लेटेस्ट अपडेट्स आप तक पहुंच सके। और हम ना इसको ऐसे चाकू की मदद से इस तरह से कट कर लेंगे इसको, ताकि वो अच्छे से ना मिक्स हो जाए इसमें। इस तरह से कर लेंगे हम इसको अच्छे से मिक्स। ये हो गया है मिक्स अच्छे से। अब हम इसमें ये दो क्यूब्स चीज की ग्रेट करेंगे, इसको डालेंगे। आप इसमें चाहें तो हरी मिर्च काटकर डाल सकते हैं, लेकिन मैंने तीखी चटनी का इस्तेमाल किया है इसलिए मैं हरी मिर्च नहीं डाल रही हूं। तो ये देखिए, हम ऐसे इसको चीज को अच्छे से कर लेंगे ग्रेट। और ये चीज हमने बहुत अच्छे से इसमें डाल दिया है, इसको करेंगे अब हम मिक्स। इससे क्या है, ये जो कचूमर है ना, इसकी बाइंडिंग हो जाएगी, सैलेड की बाइंडिंग हो जाएगी। थोड़ी सी आप ब्लैक पेपर भी डाल सकते हैं, 1 पिंच के करीब मैंने डाली है। ये ली है हमने आटा ब्रेड, ये देखिए ब्राउन ब्रेड, इसको हम पीस को निकाल लेंगे। और इसमें लगाएंगे हम बटर, एक लेयर हम बटर की लगाएंगे। बटर की लेयर लगाकर हम उसके ऊपर लगाएंगे हरी चटनी। ये देखिए, इस तरह से हमने बटर की लेयर लगा ली है। अब हम ऊपर इसके रखेंगे हरी चटनी, जो हमने थोड़ी सी कचूमर में भी डाली है। इसको स्प्रेड करेंगे अच्छे से चारों तरफ, ताकि सारी बाइट में ये चटनी आए। और यकीन मानिए, ये सैंडविच बहुत ही अच्छे लगते हैं। इसके ऊपर रखेंगे हम ये फिलिंग, मिक्स वेज फिलिंग विद चीज। ये देखिए, ऐसे रखेंगे आप फिलिंग। अब हम दूसरी ब्रेड पर बटर लगाते हैं। बटर लगा लिया है हमने, और इसको अब हम ऐसे इसको पैक कर देंगे। अब हम इसके ऊपर फिर से बटर लगाएंगे। बटर लगाएंगे इसको अच्छे से, और इसको बटर की साइड से नीचे रखेंगे, ग्रिल होने के लिए रखेंगे। हमने टोस्टर पहले से गर्म होना रख दिया है। और इसके अंदर अब हम रखेंगे ब्रेड को, बटर साइड हम नीचे रखेंगे। और पहले हम ऊपर बटर नहीं लगाएंगे, ऐसे ही इसको ग्रिल करेंगे। और अब देखिए, इसको हम ओपन करते हैं। और देखिए, बिना बटर के भी कितना अच्छा सिक जाता है, देख सकते हैं ना। तो अब हम लगाएंगे इस पे बटर, थोड़ा और इसमें शाइन आ जाएगी। ऊपर के साइड में हमने इसमें थोड़ा सा बटर लगा लिया है, और अब हम इसको ना ऐसे घुमा देंगे, इसको इधर इधर से और अच्छे से, और फिर से इसको ग्रिल करेंगे। तो चेक करते हैं, और ये देखिए, हमारा ये यमी सा लगने वाला जो सैंडविच है वो बनकर तैयार है। आप आवाज सुन सकते हैं, और आप करना चाहें तो और ग्रिल कर सकते हैं। तो अब हम दूसरा लगाते हैं। इस सैंडविच में हमने क्या किया है, पहले ऐसे ही जैसे बटर लगाया, चटनी लगाई, फिर ये कचूमर लगाया, फिर ब्रेड को ऐसे रखा, फिर बटर लगाई, चटनी लगाया, और फिर से हम ये सैलेड जो है इसके ऊपर रखेंगे। ये डबल सैंडविच बनेगा आपका।
ये देखिए, इस पर हम यहां भी चीज, पहले इस पर चीज ग्रेट करेंगे। इसमें आप इसको ज्यादा चीजी बना सकते हैं, एक क्यूब पूरी या हाफ क्यूब जैसा भी आप चाहें इसको ग्रेट करें। और इस पे ऊपर रखेंगे ब्रेड और उसी तरीके से हम इसको टोस्टर में रखेंगे। और साइड बाय साइड मैं आपको यहां भी दिखा दूं, इसके ऊपर भी हम चीज ग्रेट करेंगे। चाहें तो कीजिए, स्ट्रीट स्टाइल बना रहे हैं तो आप ऐसे कर सकते हैं। इसको करेंगे कट। और ये देखिए, आप किसी भी शेप में कट करके इसको खा सकते हैं। बहुत यम्मी ये सैंडविच लग रहा है। तो दूसरा बनाते हैं हम। ये सैंडविच को हमने ऊपर बटर नहीं लगाया है, उसी तरह से इसको ग्रिल होने के लिए रख देंगे। चेक कर लेते हैं, इस पर लगाएंगे इधर बटर। देखिए क्रिस्पी ऑलरेडी हो गया है। तो आप जब कभी इस टोस्टर में बिना बटर के, बिना ऑयल के बनाना चाहें, मैं आपको पहले डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगी, बना चुकी हूं वीडियो, तो वो भी इसमें आसानी से बन जाते हैं बिना चिपके। इसको ऐसे पलटेंगे और फिर से हम इसको क्रिस्प होने के लिए रखेंगे। और ये देखिए, हमारा यमी सा सैंडविच बनकर तैयार है। इसको प्लेट में निकाल लेते हैं। मन चाहे शेप में आप कट कर सकते हैं। आवाज सुनिए कितना क्रिस्पी है ये। तो घर पर ही बनाइए स्ट्रीट स्टाइल सैंडविच और खिलाइए बच्चों को। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो लाइक करना मत भूलिए, जरूर लाइक कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि मेरी लेटेस्ट अपडेट्स आप तक पहुंच सकें। ये देखिए हमारे ये डबल डेकर सैंडविच फुल ऑफ चीज, फुल ऑफ वेजीज बनकर कर तैयार हैं। करते हैं इनकी प्लेटिंग। और देखिए ये वाले डबल हैं, ये वाले सिंगल सैंडविच हैं, इस टाइप से क्रिस्पी। और ये देखिए डबल है, अंदर से बहुत सॉफ्ट और ऊपर से क्रिस्पी। ये देखिए, जब आप बनाएंगे ना और खाएंगे तब आपको पता चलेगा कि कितने टेस्टी सैंडविच हैं। तो इसको असेंबल करते हैं, तब तक आप इंजॉय कीजिए, मेरी नेक्स्ट वीडियो की वेट कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई रेसिपी।